अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद फिरदौस अली आज जो रेसिपी शेयर करने आई हूँ वो है मटन करी। तो आइए हम बनाते हैं मज़ेदार मटन करी। ये टेस्टी गोश्त का सालन, उसके लिए मैंने यहाँ कढ़ाई रखी है गैस पे और एक कप ऑयल डाला है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसमें मैं तेज़पान, बड़ी इलायची, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, करण फूल और काली मिर्च डाल रही हूँ। इनको मैं अच्छी तरह से फ्राई हो जाने दूँगी। यहाँ मैंने तीन प्याज काट के रखी है, उसको ऐड कर दूंगी। प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन होने देंगे, अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन लिया है, उसको ऐड कर दूंगी। इसको हम थोड़ी देर तेल में फ्राई होने दें। अब यहाँ मैं डालूंगी नमक और आधा टीस्पून हल्दी और इसको तेल में अच्छी तरह से हम गोश्त को थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। कम से कम 5 मिनट गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब यहाँ पर मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, इसको भी हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और इसको भी भुनाने देंगे गोश्त में। अदरक लहसुन में अदरक लहसुन भी अच्छे से भुना रहा है। कम से कम हम इसको 10 से 15 मिनट अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भुनाने देंगे गोश्त में कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। देखिए अदरक लहसुन 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से भुना गया है। अब मैं यहाँ पर डालूँगी धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च। मिर्च और नमक आप आपके हिसाब से डालिए, आपको कितना तीखा पसंद है, नमक आप कितना खाते हैं आप उस हिसाब से डालिए। और अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हल्का हल्का पानी डालकर इसको मसाले को हम भुनाने देंगे और कम से कम 10 मिनट। हमारा गोश्त का सालन बहुत अच्छी तरह से पक रहा है और अब मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है, बहुत अच्छी तरह से ये भुना गए हैं। अब मैं यहाँ पर दही डाल रही हूँ आधी कटोरी, इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। दही का बहुत अच्छा टेस्ट आता है मटन में। इसको हम और भुनाने देंगे और अभी मैंने चेक किया था गोश्त गला नहीं है। हम थोड़ी देर और इसको 10 मिनट भुनेंगे, अगर गोश्त नहीं गलेगा तो हम कुकर में एक भाप दे लेंगे। तो गला नहीं था इसलिए मैंने इसको कुकर में डाल दिया है और 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसको मैं 2 सीटी ले लूँगी, उसके बाद हम देखेंगे फिर गोश्त को कि गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। मैंने इसको वापस कढ़ाई में निकाल लिया है और देखिए कितना अच्छा रोगन आया है इसके ऊपर। अब मैं यहाँ पर डालूँगी आधा टीस्पून गरम मसाला और सबसे लास्ट में हरा धनिया जो कि हर खाने की खूबसूरती बढ़ाता है। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और देखिए टेस्टी मज़ेदार गोश्त बनके हमारा तैयार है। आइए हम इसको डिश आउट करें। टेस्टी मटन सालन बनके तैयार है और इसकी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये बहुत ही अच्छा बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मिलूंगी मैं आपसे अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।